वेलकम बैक टू साइंस ए मेनिया। वेल, स्पाइडरमैन को जाले से लटका हुआ देख के आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि क्या स्पाइडर सिल्क इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो वेल, आपको आश्चर्य होगा कि एक साइंटिफिक सर्वे के अकॉर्डिंग स्पाइडर सिल्क स्टील से 6 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। कैन यू बिलीव इट? वेल, आपको करना होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्पाइडर फैक्ट से रिलेटेड ही डिटेल्स दूंगा। और खास तौर पे साइंटिस्ट जल्द ही स्पाइडर सिल्क से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही हल्का और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो प्लीज चेक आउट द डिटेल्स, स्पाइडर पावर्स आर रियल। वेल, स्पाइडर बहुत ही पावरफुल हंटर होता है, बिलीव मी। अगर स्पाइडर्स डॉग के साइज के होते तो शायद ह्यूमन रेस कब की खत्म हो गई होती। पर स्पाइडर्स के दांत नहीं होते हैं तो वो खाती कैसे होगी? ये सच में डरावनी होगा क्योंकि स्पाइडर्स अपने शिकार के अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालती है जिससे उनका पूरा शरीर अंदर से ही गल जाता है और फिर वो उसे जूस की तरह पी लेती है। डरावनी मकड़ियां। खैर, इनका सिल्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। नेचियो के एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक पेंसिल के बराबर की मोटाई वाला स्पाइडर सिल्क, मुझे पता है आप बिलीव नहीं करेंगे, पर हाँ, एरोप्लेन को रोक सकता है। बिलीव मी, इट्स ट्रू, गो गूगल इट। वेल, जरा सोच के देखिएगा, एक स्पाइडर का सिल्क इतना पतला होने पर भी उस पर बड़ी सी स्पाइडर आराम से लटकी रहती है और बड़े बड़े कीड़े भी उसके एक थ्रेड को तोड़ नहीं पाते। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने खुद एक स्पाइडर के धागे पर अनेकों छोटी छोटी पत्तियां और कागज के टुकड़े रख के देखे हैं। बिलीव मी, उनका वेट स्पाइडर के उस सिंगल थ्रेड से 10 से 20 गुना ज्यादा ही होगा, वो कम होगा वेल, पर वो टूटता ही नहीं है। इट्स सिंपली अमेजिंग। वेल, साइंटिस्ट ने इसे आर्टिफिशियली बनाने की अनेकों कोशिश की है, पर ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है कि वो हर एक बार असफल हुए हैं। इवन आपको पता है, हम बहुत सारी मकड़ियों को एक साथ रख कर उसमें से सिल्क एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि स्पाइडर्स कैनिबलिस्टिक होती हैं, यानी कि वो एक दूसरे को खा सकती हैं, तो ये फॉर्मूला भी हमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं देने वाला है। बट आज की डेट में हम स्पाइडर्स के सिल्क को बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से प्राप्त कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, 2000 में कनेडियन बायोटेक कंपनी नेक्सिया ने स्पाइडर की उन जीन्स को जो ये प्रोटीन बनाती हैं उन्हें कुछ गोट्स में ट्रांसफर किया था। और आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगा, बट अब उनके मिल्क से ये प्रोटीन पाया जा रहा है और हम उसे वहां से निकाल कर यूज कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी मात्रा बहुत कम है, बट आई एम डैम श्योर कि वो कुछ तरीका निकाल चुके होंगे। रिसेंट में ही 2010 में भी इस प्रोटीन को सेम प्रोसेस से कोरियन एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बैक्टीरिया से निकाल कर ये काम और भी आसान कर रहा है। यकीन मानिए, ये सिल्क इतना स्ट्रांग होता है कि एक पतंग उड़ाने वाले जो धागे होते हैं उनके बराबर की मोटाई वाला सिल्क पावरफुल से पावरफुल आदमी भी नहीं तोड़ सकता है। और अमेरिकन कंपनी इसकी इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की सोच रहे। कैन यू बिलीव इट? स्पाइडर सिल्क से बुलेट प्रूफ जैकेट, यानी कि बंदूक की गोली स्पाइडर सिल्क के आर पार नहीं जा सकती। इट्स सिंपली अमेजिंग। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पाइडर से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स प्रोवाइड करूंगा क्योंकि मुझे बस लग रहा है आई हैव बिकम द फैन ऑफ दी स्पाइडर्स। स्पाइडर पावर्स आर रियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड